नेक्स्ट माइनस सेवन के साथ जब 8 बिट्स में हमने उसको रिप्रेजेंट किया था तो हमने एक्सटेंशन की थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, जो कि हमारी साइन बिट थी और हम माइनस में थे वो 1 थी और हमने 1 को ही अपेंड किया था इन दिस केस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट दिस स्टिल बिकम्स इक्वल्स टू माइनस सेवन, दो के हमने उसको 8 बिट में एक्सटेंड कर दिया है बाय यूजिंग द सम ऑफ वेट मेथड बाय कीपिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वेटेज इक्वल्स टू माइनस एंड रेस्ट ऑफ ऑल द बिट्स वी आर गोइंग टू ऐड देम. Advantages of the two's complement is this. सबसे पहला जो भी हमने उसके टेबल से देखा, जब हमने n is equal to 4 bit का टेबल बनाया था तो हमने उसकी उसमें ये देखा था कि प्लस जीरो माइनस जीरो अब यहाँ नहीं था. We have a unique representation of zero which we do not had at in the case of sine magnitude method and the one's complement form. Subtraction can be done using the addition. जैसा कि हमने ये देखा ये one's complement से ही मिल सिक्का ही advanced level है two's complement. तो subtraction जो है वो addition के साथ हो सकती है. This leads to substantial saving in circuitry. आपका hardware बहुत reduce हो जाता है processor का अगर आपका addition ही दोनों arithmetic perform कर दे, addition as well as subtraction. अब इसका आइडिया आप इस तरीके से लगा सकते हैं. अगर ये equation आप देखें, we are going suppose we have two numbers a and b and we are going to say के a minus b हमने perform करना है. So what can we do this a plus this minus b, इसमें और इसमें actual में कोई फर्क नहीं है. यहाँ ये addition जो है और ये जो b है उसका अगर हम two's complement ले लें तो वो negative में change हो सकता है और हम उसको अगर add कर दें a में तो ये चीज similar यही बन जाती है, minus ही actually perform होता है लेकिन using addition. सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर है माइनस ए माइनस बी तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों नंबर का ले लिया. जब टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमने उसे ऑटोमेटिकली नेगेटिव नंबर में चेंज कर दिया. वो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर में चेंज हो गया आफ्टर टेकिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट, तो हम अगर उनको आपस में एड कर देंगे तो एक्चुअली ये जो बन जाएगा वो एक्चुअली यही ऑपरेशन बन जाएगा. सो बाय टेकिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट वी नो कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इनटू अ नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, वन मोर नेगेटिव नंबर देन द पॉजिटिव नंबर. ये हमने इसकी रेंज में देखा है कि हमारे पास यहाँ माइनस 8 मौजूद है जो कि हमारे पास प्रीवियस किसी मेथड में मौजूद नहीं था व्हेन द नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 4. इसी तरीके से नंबर ऑफ बिट्स अगर इंक्रीज करते चलेंगे तो एक एक नेगेटिव नंबर ज्यादा ही हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में रिसीव होगा. टुडे कंप्यूटर्स यूज दी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. व्हाई वी डू बिट एक्सटेंशन, बिट एक्सटेंशन हम क्यों करते हैं, हमने बिट एक्सटेंशन क्यों सीखी है. बिट एक्सटेंशन एक बात याद रखिएगा, बिट एक्सटेंशन इज एट टाइम्स नेसेसरी जब आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए. आई रिपीट, जब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आपकी इतनी ही नंबर ऑफ गिवन बिट्स है और इतनी ही गिवन बिट्स में आपने आंसर देना है. फॉर एग्जाम्पल 4 बिट्स है, 4 बिट्स में मेरी रेंज आती है माइनस 8 से लेके प्लस 7 तक, ये मैंने लिखा हुआ है. मैं 4 बिट्स पे काम कर रही हूँ और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई किया मैंने और मेरी रेंज 4 बिट में ये कहती है मुझे कि मेरे पास जो नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं ना वो माइनस 8 से लेकर प्लस 7 तक ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं. सपोज मैंने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एडिशन करने जा रही हूँ और मेरे दो साइंड नंबर्स की एडिशन का आंसर सपोज प्लस 8 आ गया या सपोज प्लस 16 आ गया, बाइनरी फॉर्म में ही मैंने उनको ऐड किया, बाइनरी फॉर्म से मैंने उन्हें डेसिमल में चेंज किया फॉर द वेरिफिकेशन सेक एंड अल्टीमेटली मुझे नंबर क्या मिल गया, प्लस 16 मिल गया या उनका आंसर प्लस 8 मिल गया और मैं काम कर रही हूँ 4 बिट्स के अंदर अंदर ही. सो प्रॉब्लम अराइजेस ओवर हियर इज दिस कि डिपेंडिंग ऑन द रेंज यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद 4 बिट्स, योर रेंज इज फ्रॉम माइनस 8 अप टू प्लस 7, ये आपकी रेंज है. इसके अंदर अंदर इनको इंक्लूड करते हुए बस नंबर आ सकते हैं, इनसे ज्यादा नंबर नहीं आ सकता. वहां बिट एक्सटेंशन टेक्स प्लेस, आप बिट एक्सटेंशन कर सकते हो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया हुआ कि आपने 4 बिट्स के अंदर अंदर ही डेटा का रिजल्ट देना है. आप बिट एक्सटेंड कर लें, अगर मेरी सपोज आंसर प्लस 8 आ रहा है, प्लस 8 तो कहीं भी नहीं आता, माइनस 8 से लेकर 0 एंड देन 0 से लेके प्लस 1 से लेके प्लस 7 तक जाऊं तो मेरे पास प्लस 8 की तो वैल्यू ही नहीं है हैविंग डिफाइंड कि मेरे पास 4 बिट्स है टूज कॉम्प्लीमेंट को मेथड को अप्लाई करते हुए. सो व्हाट आई विल डू 1 बिट एक्सटेंशन, एक बिट एक्सटेंशन मैंने सिर्फ करके देखी कि आया मेरी रेंज बढ़ी. जब मैंने यहाँ 5 बिट्स डाल दी तो 5 बिट्स से मेरी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि मैंने हमने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड्स में कि 4 बिट्स थी तो रेंज ये थी, 8 बिट्स थी तो रेंज माइनस 128 से प्लस 127 तक थी. तो मैंने आपको बताया कि बिट्स बढ़ती चली जाएंगी तो रेंज बढ़ती चली जाती है. तो इस लिहाज से हम बिट एक्सटेंशन अगर अपने अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर लें तो हम उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं. सपोज वी हैव टू सॉल्व, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जरूरी हमारे लिए क्यों है. माइनस 8 हमने करना है,
एक्चुअली व्हाट वी डू, वी परफॉर्म दिस अर्थमैटिक माइनस एट, वी डू एडिशन एक्चुअली, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, और हम माइनस एट इस तरीके से लिख लेते हैं. जिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से कि हम कैसे कह रहे हैं कि जी हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन के थ्रू कर रहे हैं. डेसिमल फॉर्म इज दिस माइनस एट, बाइनरी फॉर्म ऑफ माइनस एट इज दिस, ये अभी हमने प्रीवियसली टेबल में देखा है. वी आर गोइंग टू एड दम, ये बात हमें पता है डेसिमल रूल में, माइनस माइनस हमेशा माइनस का साइन लगता है लेकिन करते हैं हम एड है. सिमिलरली हमने यहाँ बाइनरी एडिशन ही करनी है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो वन प्लस वन जीरो एंड अ वन कैरी. एंड व्हाट वी डू इन टूज कॉम्प्लीमेंट, आपको मैंने अभी प्रीवियसली टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड हमने अप्लाई करते हुए देखा था, व्हेनेवर देयर इज अ कैरी आउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो हमारे पास नंबर क्या बन गया है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर. व्हाट वी एक्चुअली गॉट इज ये कैरी तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करते हुए प्रीवियसली बात की है कि वी अप्लाई द टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड एंड देन ऐड द नंबर्स एंड देन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाहर से जो कैरी निकल जाता है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. तो वी आर लेफ्ट विद ऑल जीरोस. ऑल जीरोस मतलब ये आंसर क्या बन गया, ये आंसर डेसिमल में बन गया जीरो, व्हिच इज अ रॉन्ग आंसर. विद बिट एक्सटेंशन हमारी पास क्या है, बिट एक्सटेंशन का मतलब है मेरे फोर बिट्स में काम कर रही थी, ठीक हो गया, तो माइनस 16 मेरी 4 बिट की रेंज में नहीं था. क्यों? क्योंकि मेरे पास माइनस 8 से लेके प्लस 7 तक नंबर्स डिफाइन हो सकते थे. मैंने एक बिट एक्सटेंड कर दी, 4 बिट की जगह मैंने इसको कर दिया जी 5 बिट्स. अगर मैं यूं कर लूं तो क्या मेरे पास काम बन सकता है, ये देखिएगा, माइनस नंबर है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो एक्सटेंड मैंने 1 ही को किया है, बिट को 1 ही बिट एक्सटेंड की है, अपेंड की है. माइनस 16 इसको मैंने ऐड किया, 1 प्लस 1 जीरो, वन कैरी, इस पे जो वन कैरी आया, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू वन एंड अ वन कैरी. इस कैरी को अगर मैं स्टिल डिस्कार्ड कर दूं, इस कैरी को अगर मैं स्टिल डिस्कार्ड कर दूं, तो आई एम लेफ्ट विद दीज बिट्स व्हिच इज इक्वल टू माइनस 16. अब आपने देखा कि अगर हम बिट एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमारे पास डेटा की रेंज बढ़ जाती है टू रिप्रेजेंट डेटा इन आवर टूज कॉम्प्लीमेंट. रेंज बढ़ जाएगी तो ही हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज हमारा आंसर इनकरेक्ट बनता था. सो दैट इज व्हाई वी हैव लर्न अबाउट द बिट एक्सटेंशन इन आवर टूज कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले एग्जाम्पल है, वी हैव टू परफॉर्म द टूज कॉम्प्लीमेंट 6 minus 13. What we actually supposed to do? हमें करना है जी 6 addition करनी है और minus 13 करना. Minus का sign 13 के साथ है, ये देखिएगा, तो minus का sign हमने 13 के साथ अंदर कर दिया. Step number 1, unsigned representation. वही वाली बात है, सबसे पहले इसका positive version सोच लें. सबसे पहले पॉजिटिव वर्जन का एक सिंपल वर्जन सोचें कि आप 6 को कैसे बाइनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अनसाइंड का मतलब है कोई साइन इसके बारे में अभी भूल जाए, ये प्लस है या माइनस है. जस्ट थिंक ऑफ अ नॉर्मल 6 कि वो बिट्स में कैसे लिखेंगे एंड अ नॉर्मल 13 के वो बिट्स में कैसे लिखेंगे, ठीक हो गया. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, नाउ थिंक ऑफ द साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज बाइनरी वैल्यूज. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होती है पॉजिटिव केस में एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है नेगेटिव केस में. ये देखिएगा, मैंने दोनों के पॉजिटिव वर्जन ही रिप्रेजेंट करवाए हैं एंड इधर 0 अपेंड कर दिया और इधर भी 0 अपेंड कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव वर्जन ही कह रही हूं, तो मैंने अपेंड भी 0 ही किए दोनों में. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट शोज द साइंड नंबर, ये मेरा प्लस है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 ही मौजूद है. थर्ड स्टेप है, एक्सटेंड द बिट्स एंड मेक द नंबर ऑफ द बिट्स सेम. हमें ये बात मालूम है कि हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में रेंज का फॉर्मूला ये है, डिपेंडिंग ऑन दिस रेंज अगर हमारे पास 4 बिट्स आती है तो हमारे पास रेंज है माइनस 8 से लेके सिर्फ प्लस 7 तक के नंबर डिस्प्ले किए जा सकते हैं. अगर मैं रफली कैलकुलेशन कर लूं, चूंकि ये नंबर मुझे डेसिमल में गिवन है, बेशक मैंने काम बाइनरी में करना है लेकिन मुझे डेसिमल में गिवन है, और मैंने आपको बात ये बताई है अगर बाइनरी में आपको कोई चीज गिवन हो आप उसे डेसिमल में एक मरतबा कन्वर्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं. सो मैंने इसको डेसिमल को ऐड करके देखा कि अच्छा मैंने एक्चुअली क्या, मेरे पास क्वेश्चन है जी 6 minus 13. 6 minus 13 ऑपरेशन का आंसर डेसिमल में ही मुझे आंसर क्या मिल सकता है इसका आंसर जी मुझे मिल सकता है 7. अब -7 मेरी रेंज में कवर होता है, लेकिन अब आपको दो चीजें देखनी होती है. एक, हमने रफली कैलकुलेशन की, अच्छा डेसिमल का रिजल्ट मेरा रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, डेसिमल का रिजल्ट मेरे रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज दिस, जब मैंने साइन रिप्रेजेंटेशन मेरे गिवन क्वेश्चन की चेंज की थी, तो यहाँ गौर कीजिएगा, मेरे पास 13 के साथ यहाँ 0 लगना लाजिम था. यहाँ 0 लगना लाजिम क्यों था? टू मेक इट प्लस, क्योंकि मैं साइन रिप्रेजेंटेशन में हम हमेशा बात करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो वो कहा जा सकता है कि वो पॉजिटिव नंबर है. अगर तो मैं ये 0 यहाँ ना लगाती तो मेरे पास क्या बचता, 1101, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती,
वन, इसका मतलब है कि इसको कंफ्यूज किया जा सकता था इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देख के कि ये माइनस का कोई नंबर है. सो आई हैव टू राइट जीरो ओवर हियर, आई हैव टू अपेंड जीरो ओवर हियर टू शो कि ये पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में तो ये देखिएगा द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में वन है, और साइन में जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन होने का मतलब है ये हर हाल में नेगेटिव नंबर है. सो देयर इज अ मस्ट जीरो, हैव जीरो हैज टू बी देयर. सो रेंज के रेंज अप्लाई फॉर्मूला आपकी दो सूरतों के लिए होना चाहिए. एक जब आप देखेंगे जी आया आपका आंसर जो है, ये आंसर जो गिवन क्वेश्चन का आंसर है वो आपकी रेंज में है, अगर वो आपकी रेंज में है देन कम टुवर्ड्स दिस कि आपकी साइन रिप्रेजेंटेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है. अब यहाँ देखिएगा यहाँ 5 बिट्स हर हाल में रिक्वायर्ड है, इसके लिए 5 बिट बेशक रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये 4 बिट्स में भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और 6 है, लेकिन 13 जो है उसमें अगर ये 5th बिट मैंने अपेंड ना की, ये बिट एक्सटेंशन ना की, तो मेरे पास ये 4 बिट्स जो है वो ये इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 ये शो कर देगी, ये नेगेटिव नंबर है. सो इसीलिए मेरे पास 5 बिट्स का होना हर हाल में जरूरी है. तो विद 5 बिट्स मेरी रेंज भी बढ़ गई और मेरा 13 की रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर हो गई. n इज इक्वल टू 5 बिट्स मीन्स देन ऑल आर इन रेंज. 5 बिट्स कर दिया मैंने और प्लस 6 की जो भी मिसिंग बिट थी उसको भी सेम कर दिया एज लाइक माई +13. कुछ भी नहीं किया, अपेंड जीरो किया है जस्ट टू मेक बोथ नंबर्स की बिट्स सेम, नंबर ऑफ बिट्स सेम, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके. स्टेप नंबर 3 इज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. वी टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13, जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया बाई टेकिंग द 1's कॉम्प्लीमेंट एंड अल्टीमेटली एडिंग 1. नाउ वी कैन एड, हमने -13 में इसको चेंज कर लिया, -13 में चेंज कर लिया, अब हम इसको एड कर सकते हैं 6 में. हम वी आर गोइंग टू एड इट इन 6, हमारे पास आंसर आ गया जी -7. और ये बात हमने हमारे एडिशन का जो ये 6 हमारा एज इट इज प्लस साइन था, -13 जो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला था हमने वो लिख लिया, और वी आर गोइंग टू एड इट, हमने इनको ऐड किया एंड अल्टीमेटली वी कैन वेरीफाई इट यूजिंग द सम ऑफ वेट्स मेथड कि हमारा -7 है. ये देखिएगा यहाँ माइनस मौजूद है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ, ठीक हो गया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये भी वेरीफाई होगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इन विच वी हैव अ -6 एंड -13. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, अनसाइन रिप्रेजेंटेशन, भूल जाएंगे इसके साथ अभी कोई साइन है. 6 कैसे लिखते हैं बिट्स में और 13 कैसे लिखते हैं बिट्स में. नाउ साइन रिप्रेजेंटेशन, साइन रिप्रेजेंटेशन किसकी, गिवन क्वेश्चन की. अब 6 किस में है एंड 13 किस में है, 6 एंड 13 माइनस माइनस में गिवन है, लेकिन आपको मैंने हमेशा बताया है अभी फिलहाल सिंपल मेथड यही यूज रखें कि यू आर गोइंग टू साइंड रिप्रेजेंटेशन आप करने लगे हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ही सोच के उसको नेगेटिव में चेंज कीजिएगा. पॉजिटिव नंबर मैंने लिया 6 का एंड पॉजिटिव 13 लिया एंड देन उसमें मैंने जीरोस ये शो कर रहे हैं कि जी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज टू बी जीरो टू मेक इट कि ये पॉजिटिव नंबर है. The most significant bit shows the sign. आगे हम करने जा रहे हैं extend the bits and make number of bits same. Range हमारी क्या है? अच्छा, अब मैं roughly estimation करने लगी हूँ जी. ये 5 bits तो यहाँ एक तो ये बात ये साबित करती है कि मेरा 13 is zero. इस 5th bit के बगैर negative number हो जाएगा, शो कर देगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 बन जाएगी और ये हमारा केस होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होने के केस में कि वो नेगेटिव हो जाता है. एंड ऑल्सो -6 -13 का आंसर क्या बनता है डेसिमल में, -19. अगर तो मैं यहाँ 5 बिट्स ले लूं सपोज, तो 5 बिट्स लेने का नुकसान क्या है, मेरी रेंज है -16 से लेके +15 तक, इस रेंज में क्या -19 कवर होता है, इसमें तो -19 कवर ही नहीं होता. बेशक ये 5 बिट जरूर है इसकी, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मेरा आंसर नहीं निकल सकेगा क्योंकि मेरा आंसर आउट ऑफ रेंज जा रहा है विद द 5 बिट्स केस. तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे 6 बिट तक एक्सटेंड करना है ताकि मेरी रेंज -32 से लेके 31 तक आए. रेंज बढ़ गई तो एन इज इक्वल टू 6, देन ऑल इन रेंज. अब मैंने क्या किया, मैंने 6 बिट्स करनी है ओवरऑल, ठीक है, एक्सटेंड द जीरोस टू मेक इट अप टू 6 बिट्स ओवरऑल. अब मैंने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्चुअली एडिशन का, लेकिन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है. एक्चुअली एडिशन करनी है लेकिन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है, तो 6 का भी 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया और +13 का भी 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया. 2's कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट मेथड से लिखा लिया मैंने, ये देखिएगा कॉपी किया पहला 0 एज इट इज, 1 पहला एज इट इज लिख लिया और बाकी बिट्स को मैंने फ्लिप कर दिया. सिमिलरली ये पहला 1 ही आ गया इधर बिट से, तो 1 एज इट इज उतर गया और रेस्ट ऑफ